नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि टॉपिक और बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था बुद्धि के प्रकार और हमने फिर पढ़ा था बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में क्या पढ़ा था कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जैसे बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो होता है बुद्धि के कारक सिद्धांत और एक होता है बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। अब सर बुद्धि के कारक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, तो हमने आपको बिल्कुल एक एक सिद्धांत पढ़ाया था और उसमें लिखाया था एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड विन ने। द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने, ठीक ना। फिर समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन के द्वारा। बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर हमने आपको बताया था कि बुद्धि का जो है त्रिआयामी सिद्धांत है, ठीक ना, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कैरोल के द्वारा। फिर बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जो है गार्डनर के द्वारा। इसी प्रकार आपका बहुमानसिक सिद्धांत को केली के द्वारा दिया गया। फिर हमने आपको बताया था कि बुद्धि कैक है सिद्धांत हैब के द्वारा दिया गया। फिर हमने आपको बताया था कि बुद्धि का जो तरल एवं ठोस सिद्धांत है वो कैटल व हॉर्न के द्वारा दिया गया। और बुद्धि का लेवल फर्स्ट और सेकंड सिद्धांत जॉनसन के द्वारा दिया गया था। इसी प्रकार हमने बताया था आपको जो बुद्धि का आश्रयजनक सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम के द्वारा। और बुद्धि का पदा अनुक्रमिक सिद्धांत बर्ट व वर्नर के द्वारा दिया गया। और बुद्धि का शक्ति मनोज्ञान सिद्धांत रीड के द्वारा दिया गया। और द्वियायामी सिद्धांत किसके द्वारा, गटमैन के द्वारा दिया गया। इस प्रकार आपको हमने बताया था कि कौन कौन सिद्धांत जो कारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बुद्धि के संगठन व बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या कारकों के आधार पर की जाती है। तो ये सारे सिद्धांत कारक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने बताया था बुद्धि के प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत और उसके अंतर्गत आता है त्रितंत्र त्रिचापीय सिद्धांत, किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। फिर हमने बताया था बुद्धि का पास मॉडल सिद्धांत जो दिया था जेपी दास व नागलेरी के द्वारा। फिर हमने आपको बताया बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो जीन प्याजे के द्वारा दिया गया था। फिर हमने आपको बताया था कि बुद्धि का जो है आर्थर जेंसन का सिद्धांत आर्थर जेंसन के द्वारा दिया गया। और एक है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार हमने पूर्व की क्लास में बुद्धि के सिद्धांतों का एक चार्ट हमने बना करके पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत है और उसके प्रतिपादक कौन है। अब हम एक एक सिद्धांत को पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक रूप से लेते हैं और एक एक सिद्धांत को व्याख्या के रूप के साथ पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना है, हम पहले कह रहे हैं यहां सिद्धांतों में से निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं और प्रश्न अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक कारक, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कारक सिद्धांत और कारक सिद्धांत में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जो है एक कारक सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में, एक कारक सिद्धांत। अब आप बताएं एक कारक सिद्धांत को इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहा जाता है, बताइए। हमने पहले भी आपको बताया था कि इनके इंग्लिश टर्म आपको जरूर याद रखना है। तो ध्यान रखना इसको क्या कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या कहते हैं बताइए, यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर कह दीजिए, ठीक है। तो देखो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत को इंग्लिश में यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब इस सिद्धांत के अन्य बहुत सारे नाम भी आपको पता होगा, इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम है। जैसे एक व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं ना जीवन में, वैसे इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम है। अब देखो अन्य नाम कह दो, चाहे आप उपनाम कह दीजिए। अब इसके अन्य नाम या उपनाम क्या क्या है, तो आपको याद रखना है एक कारक सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, एक तत्व। क्या कहते हैं, एक तत्व सिद्धांत। इस एक कारक सिद्धांत को क्या कहते हैं बताइए, एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एक खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एक खंड सिद्धांत कहते हैं। किसको कहते हैं, एक कारक सिद्धांत, एक खंड कह दो। इसी को कह दो आप एक इकाई सिद्धांत। क्या कह दो, एक इकाई सिद्धांत कह दीजिए, ठीक है। और इसी कह दो आप एकल अवयव सिद्धांत, एकल अवयव सिद्धांत। क्या कह दो इसको, एकल अवयव सिद्धांत कह दीजिए, ठीक है ना। इसी को कह दीजिए आप निरंकुशतावादी सिद्धांत। क्या कह सकते हो, निरंकुशतावादी। क्या कहते हैं इसको, निरंकुशतावादी सिद्धांत। अब बताइए ये ध्यान रखना है इस सिद्धांत को, जो
निरपेक्षतावादी सिद्धांत कहा था, तो ध्यान रखना किसने कहा था, तो ये याद रखना जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था, मनोवैज्ञानिक जॉनसन ने कहा, ठीक है ना, जॉनसन ने कहा इस सिद्धांत को जो है निरपेक्षतावादी सिद्धांत। किसने कहा? जॉनसन ने कहा, ये ध्यान रखना है बात, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक कारक सिद्धांत के अन्य क्या नाम है, तो उसको एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, एक इकाई सिद्धांत, एकल अवयव सिद्धांत और निरपेक्षतावादी सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, जो किसने कहा था, जॉनसन ने कहा था, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। ये सारी चीजें याद करने की, जो याद करने की चीजें वो तो याद ही करनी पड़ेगी आपको, समझाने की चीज होगी मैं समझा दूंगा। अब देखिए, अब बात करें इस सिद्धांत के प्रतिपादक के, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक कह दो, शब्द बदल दे, प्रवर्तक, बात एक है सिद्धांत के, इस सिद्धांत के धारणा, इस सिद्धांत के प्रतिपादक और आपको शब्द अगर बदल दिया जाए, प्रतिपादक की जगह क्या दिया जाए, प्रवर्तक, तो बात एक ही है, प्रश्न का रूप एक ही है, प्रवर्तक या प्रतिपादक का मतलब क्या होता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको धारणा अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया यह सिद्धांत? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। अब सर पूछो कि अल्फ्रेड बिने कहां का रहने वाला था, तो आपको याद रखना है फ्रांस का रहने वाला था, कहां का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक का नाम हो गया। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, जो है इस अल्फ्रेड बिने के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी, पुस्तक लिखी गई थी, और वो पुस्तक कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना एक पुस्तक तो क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, द माइंड, क्या नाम है बोलो, द माइंड एंड द ब्रेन, द माइंड एंड द ब्रेन, एक पुस्तक का नाम है द माइंड एंड द ब्रेन, ठीक है, एक पुस्तक का नाम क्या हो गया, ठीक ना, द इंटेलिजेंस ऑफ द फीबल माइंडेड। इन्होंने दो पुस्तक प्रकाशित की, एक तो है द माइंड एंड द ब्रेन, एक है द इंटेलिजेंस ऑफ द फीबल माइंडेड, ठीक है। अब ध्यान रखना इस सिद्धांत के जो समर्थक है, इस सिद्धांत के जो समर्थक उसके बारे में बात करूंगा, तो जानना इस सिद्धांत के समर्थक, इस सिद्धांत के हम समर्थक के बारे में बात करें, समर्थक के बारे में, तो समर्थक कौन कौन है, तो ध्यान रखना एक तो हो गया आपका टर्मन, कौन हो गया टर्मन, एक हो गया साहब आपका स्टर्न, कौन हो गया टर्मन स्टर्न जॉनसन, कौन हो गया जॉनसन, एक हो गया आपके कौन साइमन, कौन हो गया साइमन, और एक हो गया एबिंगहास, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं मैं, इस सिद्धांत के जो समर्थक है टर्मन स्टर्न जॉनसन साइमन एबिंगहास, सुनना है एक एक बात को, फिर से सुनना, याद करना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बुद्धि का पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश के अंतर्गत कहा जाता है यूनिफैक्टर थ्योरी या वन फैक्टर थ्योरी, कंप्लीट। आपको ध्यान रखना है जितने भी सिद्धांत है उसके इंग्लिश टर्म्स आपको जरूर याद रखना है। सर क्यों याद रखना है, उसका कारण यह है कि एक ही सिद्धांत के बहुत सारे हिंदी में नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंतर्गत उसका एक ही नाम होता है, इसलिए उसका आपको फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। तो जब भी आप सिद्धांत के नाम याद करो तो उसका इंग्लिश टर्म्स जरूर याद रखना है, क्लियर है बात यहां तक। तो देखो इस एक कारक सिद्धांत को एक तत्व कह दीजिए, एक खंड कह दीजिए, एक इकाई कह दीजिए, एकल अवयव सिद्धांत कह दीजिए, बात एक ही है। और ध्यान रखना इस सिद्धांत को, एक कारक सिद्धांत को जॉनसन ने निरपेक्षतावादी सिद्धांत कहा था, क्यों कहा था, हम अब सारी चीजें बताएंगे, पहले सिद्धांत के नाम है। अब सुनो ध्यान से, इस एक कारक सिद्धांत एक तत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, जो प्रवर्तक है, अर्थात यह सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, सरल भाषा में समझिए आप, यह जो सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, तो आपको याद रखना अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था, फ्रांस का जो अल्फ्रेड बिने उसके द्वारा। अब सुनना, इस अल्फ्रेड बिने के द्वारा
इस सिद्धांत के बारे में क्या विचार रखे गए, क्या विचार दिए, क्या परिभाषा दी। तो अल्फ्रेड बिने यह कहता है कि हमारी जो बुद्धि होती है वो एक तत्व से मिलकर बनी होती है, अर्थात हमारी बुद्धि में एक तत्व होता है, ठीक है ना। फिर ये कहता है कि जो हमारी बुद्धि है वो एकीकृत, अविभाज्य एवं अखंड इकाई है, अर्थात इस बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड बिने कहता है। और इस बात का समर्थन जो करते हैं अन्य मनोवैज्ञानिक कि बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती है और वह एक तत्व ही सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित होता है। अर्थात जो जितनी भी व्यक्ति मानसिक क्रिया करता है, अगर वो मानसिक क्रिया जिससे प्रभावित होती है वो एक तत्व से होती है। तो ये सारी बातें कहता है अल्फ्रेड बिने सिद्धांत में अपनी। और इस बात का समर्थन करने वाले हैं टर्मन, स्टन, जॉनसन, साइमन, एबिंगास। वानी अल्फ्रेड बिने की इस बात का समर्थन कौन करते हैं? टर्मन, स्टन, जॉनसन, साइमन और एबिंगास, ठीक है। अल्फ्रेड बिने के आपको दो चीजें याद रखने, इसके द्वारा पुस्तक प्रकाशित की गई मुख्यतः कौन कौन सी? द माइंड एंड द ब्रेन, द माइंड एंड द ब्रेन, द इंटेलिजेंस ऑफ द फीबल माइंडेड, ठीक है। यहां तक मैं मानता हूं क्लियर है। अब इसके पूरे जो इसने सिद्धांत को लेकर के अपने सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या बात कही, बुद्धि को लेकर के क्या क्या अपने विचार प्रकट किए, वो हम एक एक चीज को देखते हैं परिभाषा को समझ करके, परिभाषा के आधार पर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अल्फ्रेड बिने क्या कहता है सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा कि अल्फ्रेड बिने जो है इस सिद्धांत को किस प्रकार परिभाषित करता है। तो देखिए परिभाषा के आधार पर हम समझें सिद्धांत को। सबसे पहले परिभाषा के आधार, तो देखो परिभाषा के आधार पर अगर हम समझें तो समझने का प्रयास करना आप। अल्फ्रेड बिने के अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार, अल्फ्रेड बिने के अनुसार, किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि, बुद्धि एक तत्व, एक कारक है ना, बात है कि एक तत्व से मिलकर मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ऐसा कौन कहता है बताइए? बनी होती है, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि बुद्धि में, अर्थात बुद्धि में, बुद्धि में एक तत्व होता है, एक एक तत्व होता है। और बताओ एक तत्व कौन सा है? तो इसने नाम दिया था दानव का सामान्य, सामान्य तत्व या सामान्य कारक, सामान्य कारक, ये ध्यान रखना। फिर से सुनना, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है वो एक तत्व, एक कारक से मिलकर बनी होती है, अर्थात हमारी बुद्धि के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है और वही तत्व है जो उस तत्व में सभी प्रकार के मानसिक क्रियाएं क्या होती है, सम्मिलित होती है, ठीक है ना। आप जितनी मानसिक, और क्या कहता है ध्यान रखना ये, और कहता है ये कि बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि एकीकृत, बुद्धि एकीकृत अविभाज्य, अविभाज्य एवं एवं अखंड, अखंड इकाई है, अखंड इकाई है, अर्थात अर्थात बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। समझना आप मानचित्र के आधार पर हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको।
एक एक चीज जो आप के दिमाग में जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है उस चीज को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने इस प्रकार एक मनुष्य की जो है मस्तिष्क की संरचना देखी होगी और आप कहीं पर भी हॉस्पिटल वगैरह में कहीं गए होंगे तो इस प्रकार जो है मनुष्य के मस्तिष्क की संरचना आपने देखी होगी और उसमें आपने जो है इस प्रकार एक बुद्धि की संरचना देखी होगी मस्तिष्क के अंतर्गत, ठीक है ना। और उस संरचना में आपने ऐसे बहुत सारी योग्यताएं देखी होंगी बुद्धि के अंतर्गत। हमने जब आपको बुद्धि टॉपिक पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि विभिन्न योग्यताओं को योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। विभिन्न योग्यताओं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक ना। या हम कहते हैं विभिन्न क्षमताओं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। विभिन्न क्षमताओं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, ठीक ना। तो ये हमने आपको बताया था एक तत्व या एक कार, एक कार, ठीक ना। और अल्फ्रेड बीने ने क्या कहा कि एक तत्व होता है, ये क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या हो सकता है, अविभाज्य, ये होता है एकीकृत, ठीक ना, ये होता है अखंड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक एक चीज को ध्यान सुनना। अल्फ्रेड बीने क्या कहता है, अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि एक तत्व से मिलकर बनी होती है, अर्थात बुद्धि में एक तत्व होता है। ये देखे जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क है, ठीक ना, यह जो है व्यक्ति का मस्तिष्क है, ठीक ना। और वो कहता है कि बुद्धि एकीकृत अविभाज्य एवं अखंड इकाई है, अर्थात बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता है। अल्फ्रेड बीने कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के अंतर्गत जो बुद्धि विद्यमान है वो ये पूरे जो एक तत्व से मिलकर बनाता है, ये पूरा एक तत्व होता है और इस एक तत्व एक कारक का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये एक अखंड इकाई है, ठीक ना, ये एकीकृत रूप है, इसका विभाजन नहीं कर सकते हो। और ये एक तत्व से सभी प्रकार की जो मानसिक क्रिया होती है व्यक्ति की वो संचालित होती है। जितना भी व्यक्ति जैसे सोचता है, समझता है, तर्क वितर्क करता है, सीखने की जो योग्यता होता है, समायोजन की जो योग्यता होती है, जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है, वो सारी जो मानसिक क्रियाएं संचालित होती है वो इस एक तत्व के द्वारा होती है। अल्फ्रेड बीने कहता है कि एक व्यक्ति जो एक क्षेत्र या एक पक्ष में बुद्धिमान है तो वो सभी क्षेत्रों में, सभी पक्षों में बुद्धिमान रहेगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो गणित विषय में होशियार है तो सभी विषयों में होशियार रहेगा, ऐसा अल्फ्रेड बीने कहता है। लेकिन हम दैनिक जीवन में देखते हैं, हम व्यवहार में देखते हैं, आप पढ़ते हो तो कोई एक व्यक्ति जैसे गणित विषय में होशियार है तो बताओ कुछ जरूरी है क्या वो जो है आपके हिंदी में होशियार हो? एक बालक मान लीजिए जो सामाजिक ज्ञान विषय में होशियार है तो कुछ जरूरी थोड़ी वो संस्कृत विषय में होशियार होगा। एक बालक जो खेल के क्षेत्र में आगे है तो जरूरी थोड़ी वो संगीत के क्षेत्र में आगे रहेगा। तो अल्फ्रेड बीने तो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो एक पक्ष, एक क्षेत्र में, कोई सा भी एक क्षेत्र ले लीजिए, अगर उसके अंतर्गत वो आगे है, वो उसके अंदर दक्ष है, वो उसमें निपुण है, वो उसमें होशियार है, वह उसमें बुद्धिमान है तो वो सभी क्षेत्रों में वैसा ही रहेगा, आगे रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, दक्ष रहेगा, निपुण रहेगा, होशियार रहेगा, ऐसा कहता है अल्फ्रेड बीने। कौन कहता है, अल्फ्रेड बीने, ठीक है। तो देखिए ये जो हमने लिया इसको जो आपने परिभाषा में क्या पढ़ा बुद्धि में, जब आपने बुद्धि का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने तो हमने बुद्धि की आपकी परिभाषा बताई थी कि बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि क्या है। तो हमने आपको बताया था बुद्धि के सार रूप में परिभाषा कि जो बुद्धि होती है, जो मनुष्य की बुद्धि होती है, जो मस्तिष्क के अंतर्गत विद्यमान होती है, वो बुद्धि एक तत्व से न बन करके वह अनेक योग्यताओं का समूह है, यानी विभिन्न योग्यताओं के योग को बुद्धि कहते हैं, विभिन्न क्षमताओं के योग को बुद्धि कहते हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि बुद्धि मानव की समस्त मानसिक क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं, मानसिक क्षमताओं के योग को क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। हमने आपको बताया था बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है जो वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान, समायोजन, तर्क वितर्क करना,
और चिंतन मनन करना, इनकी क्षमता कौन प्रदान करती है? बुद्धि करती है। तो बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है। विभिन्न योग्यताएं कौन सी? जैसे सीखने की योग्यता, समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है आपका आत्मविश्लेषण करने की योग्यता, ठीक है ना, समस्या समाधान की योग्यता, ये जितने भी आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, ठीक है ना, वो सारी योग्यताएं होती है, उनके समूह को बुद्धि का है। लेकिन यहां तो क्या कहता है कि बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी होती है, बुद्धि में एक कारक होता है और वो एक कारक के द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करता है, ठीक है ना, उस एक कारक के द्वारा। तो ये सारा उसने जो हमने यहां बताया बुद्धि की, यहाँ पे तो विभिन्न योग्यताएं हैं और यहाँ पर ये जो पूरा जो है आपने ये दिया है, ये एक तत्व माना है बुद्धि का, एक तत्व एक कारक, वानी अल्फ्रेड बिनी के अनुसार बुद्धि एक तत्व एक कारक से मिलकर बनी होती है। और यह एक तत्व क्या है? अविभाज्य, एकीकृत है, अखंड है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। धारणा ये क्या है? इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसके खंडन नहीं किया जा, इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड बिने कहता है। कौन कहता है? अल्फ्रेड बिने। और इस बात का समर्थन कौन करते हैं? हमने आपको बताया था अभी कौन कौन, टारमन, स्टर्न, जॉनसन, साइमन और एबिंगास, ठीक है ना, ये सभी इसका समर्थन करते हैं। तो आगे हम देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये कहता है अल्फ्रेड बिने के अनुसार, कौन के अनुसार? अल्फ्रेड बिने के अनुसार, अल्फ्रेड बिने के अनुसार। तो धारणा अल्फ्रेड बिने के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, अल्फ्रेड बिने के अनुसार एक व्यक्ति जो किसी भी एक क्षेत्र या एक पक्ष में, एक पक्ष में होशियार है या बुद्धिमान है, आप यह कह सकते हो बुद्धिमान है, होशियार या बुद्धिमान है, तो वह हर क्षेत्र या हर पक्ष में होशियार या बुद्धिमान रहेगा। क्या रहेगा? बुद्धिमान रहेगा। जैसे एक बालक गणित विषय में होशियार है तो वह हर विषय में होशियार होगा। ऐसा कौन कहता है? अल्फ्रेड बिने। लेकिन इसकी आलोचना की गई, इसकी क्या की गई? आलोचना की गई। और आलोचना में क्या कहा गया मनोवैज्ञानिकों ने? एक व्यक्ति जो खेल के क्षेत्र में क्या है? दक्ष है, खेल के क्षेत्र में दक्ष या निपुण है तो वह संगीत के क्षेत्र में दक्ष या निपुण क्यों नहीं है? देखिए यहां पर अल्फ्रेड बिने तो क्या कहता है, सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहता है? अल्फ्रेड बिने कहता है
कि एक व्यक्ति जो किसी भी एक क्षेत्र एक पक्ष में हुशियार है, तो वह व्यक्ति जो हर क्षेत्र हर पक्ष में हुशियार होगा, बुद्धिमान होगा। ये तो कहता है अल्फ्रेड बिनी अपने सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे एक बालक गणित विषय में होशियार है तो वो हिंदी संस्कृत साइंस जो है जितने भी विषय उसमें होशियार होगा, ये कहना चाह रहा है कौन? अल्फ्रेड बिनी। लेकिन ऐसा आप दैनिक व्यवहार में देखते हो ऐसा संभव है नहीं है। आपने देखा होगा आप कोचिंग में पढ़ते हैं या आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपका एक सब्जेक्ट अच्छा था, तो जरूरी थोड़ी है कि आप सारे सब्जेक्ट अच्छे हो, आप सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो बाद के मनोवैज्ञानिक आए जैसे स्पीयरमैन आया सन 1904 में, उसने अपना सिद्धांत दिया और कहा कि जो है बुद्धि में एक कारक नहीं होता, अर्थात बुद्धि एक कारक से मिलकर नहीं बनी होती है, बुद्धि दो कारक से मिलकर बनी होती है। बुद्धि में एक कारक सामान्य कारक होता है, विशिष्ट कारक होते हैं। ऐसा कौन कहता है? और स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। तो इस सिद्धांत की आलोचना की गई मनोवैज्ञानिकों द्वारा, और वो मनोवैज्ञानिक क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान है तो वो संगीत के क्षेत्र में प्रतिभावान क्यों नहीं है? जैसे सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेटर है, खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान है, खेल के क्षेत्र में दक्ष है, निपुण है, उनको अपने क्रिकेट पे उसने पूर्णतः निपुणता प्राप्त कर रखी है, दक्षता प्राप्त कर रखी है। लेकिन बताइए सचिन तेंदुलकर क्या पढ़ने में इंटेलिजेंट थे? क्या नहीं थे ना? तो इसका मतलब यह सिद्धांत क्या हो गया? इस सिद्धांत का खंडन हो गया। आप ये देखते हो जैसे लता मंगेशकर जी है, तो लता मंगेशकर जो सिंगर थी, तो बताओ क्या लता मंगेशकर खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान थी? क्या खेल के क्षेत्र में आगे थे? क्या नहीं थी? आप स्वयं देख लीजिए, आप जैसे किसी क्षेत्र में आगे हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप जीवन में हर क्षेत्र में आगे रहो। हाँ, हो सकता है एक दो में आप आगे रहो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे हर क्षेत्र हर पक्ष में आप आगे रहो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार जो स्पीयरमैन आया सन 1904 में और उन्होंने कहा कि बुद्धि एक तत्व से मिलकर नहीं बनी होती है, बुद्धि एक कारक से मिलकर नहीं बनी होती है, और बुद्धि एकीकृत अविभाज्य अखंड इकाई नहीं है, ठीक है ना, बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, ऐसा स्पीयरमैन ने कह करके और इस सिद्धांत का क्या कर दिया? खंडन कर दिया, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति जो खेल के क्षेत्र में दक्ष निपुण है तो वह संगीत के क्षेत्र में निपुण क्यों नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको दाने सिद्धांत की आलोचना की गई। अब देखिए जो है हम इसमें देखें, अब इस सिद्धांत को आपको शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ना है तो किस प्रकार पढ़ना है वो भी देख लीजिए। आप क्या पढ़ रहे थे? एक तत्व सिद्धांत। अब इसको देखो, मेन मेन चीजें याद करनी हो, एक तत्व सिद्धांत पढ़ रहे थे आप, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। अब इस एक कारक सिद्धांत में आपको मेन मेन क्या पढ़ना है वो ध्यान देना है। इसको कैसे पढ़ना है हम और आपको एक विधि नहीं कई विधि आपको बताते हैं, और इसलिए बताते हैं कि आपको ये चीजें याद हो जाएं। तो देखो एक कारक सिद्धांत आपने पढ़ा, और इस एक कारक सिद्धांत को हम कैसे याद रखें? तो देखो इसको वही हमारा तरीका था, उस तरीके के द्वारा याद रख सकते हो। जैसे बताइए इस सिद्धांत के अन्य क्या नाम है? इस सिद्धांत के अन्य नाम की बात करें सबसे पहले, बताओ देगा अन्य नाम कौन कौन से आपने भी पढ़ा है, बिना देखे बताइए आप। देखो मनी मन में रिवाइज करें आप, अन्य नाम है इसको हम एक कारक सिद्धांत को, बताइए एक तत्व भी कहते हैं कि नहीं कहते, बताइए एक तत्व सिद्धांत कहते हैं इसी को, बताओ हम क्या कहते हैं? एक खंड भी कहते हैं, हमने भी पढ़ा एक खंड कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? एक इकाई भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? एक इकाई भी कहते हैं इसी को, हम क्या कहते हैं? एकल अवयव सिद्धांत भी कहते हैं, एकल अवयव सिद्धांत कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं? निरपुंसतावादी सिद्धांत, निरपुंसतावादी सिद्धांत। और बताओ यह किसने कहा था इसको? तो आपको याद होगा किसने कहा था? जॉनसन ने। किसने कहा था? जॉनसन ने। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कौन सा सिद्धांत जो है प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो बताओ नाम बताइए कौन है? तो आप बताओगे सर अल्फ्रेड बिनी। कौन है बताइए? अल्फ्रेड बिनी। कौन है? अल्फ्रेड बिनी। और बताओ अल्फ्रेड बिनी कहाँ का रहने वाला था? तो आप कहोगे सर फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। अब बताइए इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हो गया समर्थक है, पहले हम पुस्तक की बात कर लेते हैं, अल्फ्रेड बिनी की जो पुस्तक है
तो बताओ पुस्तक एक तो कौन सी बताई थी हमने आपको, तो आपको बताए थे एक तो द माइंड एंड द ब्रेन, एक पुस्तक तो हमने ये बताई थी, और एक क्या बताई द इंटेलिजेंस ऑफ द फीबल माइंडेड। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने दो पुस्तक लिखी है। फिर हमने आपको बताया था इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, इस सिद्धांत के समर्थक, अब बताइए समर्थक कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर टर्मन, कौन है टर्मन, एक है स्टर्न और एक है जॉनसन, कौन से है जॉनसन, एक है साइमन, कौन है साइमन और एक है अबिंगहास। ठीक है, फिर हमने इसकी परिभाषा आपको बताई थी कि इससे जो है परिभाषा क्या होती है, तो बताइए क्या होती है, मेन रूप से आप परिभाषा याद करोगे तो परिभाषा क्या होती है बताइए, कि बुद्धि एक तत्व या एक कारक से मिलकर बनी है, एक कारक से मिलकर बनी है। ठीक है, और एक क्या कहा कि बुद्धि एकीकृत अविभाज्य एवं क्या अखंड इकाई है, और क्या कहता है ध्यान रखना, मैन रूप से एक व्यक्ति जो किसी भी एक क्षेत्र में या एक पक्ष में होशियार होगा तो वह हर क्षेत्र में होशियार रहेगा। ठीक है, लेकिन आलोचना की गई कि एक व्यक्ति जो गणित विषय में होशियार है तो वह जो है इंग्लिश विषय में होशियार क्यों नहीं है, एक व्यक्ति जो संगीत के क्षेत्र में प्रतिभावान है तो वह खेल के क्षेत्र में प्रतिभावान क्यों नहीं है, इस आधार पर इस सिद्धांत का क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। ठीक ना, और फिर इसके बाद में जो सिद्धांत दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, तो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत दिया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपने जो पूरा सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, देखिए एक बार जो पूरा सिद्धांत पढ़ा था हमने, उस पूरे सिद्धांत को आपको शॉर्ट एंड स्वीट में उपनाम पढ़ा, अन्य नाम, प्रतिपादक, पुस्तक, समर्थक, ठीक है, और फिर हमने इसकी परिभाषाओं के आधार पर हमने आपको समझाया कुछ, इसके जो है ये डायग्राम के द्वारा, और आलोचना कि एक व्यक्ति जो खेल के क्षेत्र में निपुण है या प्रतिभावान है, आप यूं भी जोड़ सकते हो, क्या सब जोड़ देते हो, प्रतिभावान है, ठीक ना, प्रतिभावान है तो वो संगीत के क्षेत्र में प्रतिभावान है क्यों नहीं है, शब्द कोई सा भी जोड़ सकता है, ध्यान रखना शब्दों का ही खेल है। तो इस प्रकार आपको जो है हमने ये पूरे जो जितना भी 3 पेज के अंतर्गत पढ़ा था उसको हमने 1 पेज के अंतर्गत कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार आपका कौन सा सिद्धांत कंप्लीट होता है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, इस पेयरमैन का नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।